नंबर 51 कह रहा है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 53 अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। और देखिए 55 नंबर क्वेश्चन शीर्षक यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो होता है वो कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है 10 क्वेश्चन पूछेगा यानी कि 10 नंबर। और ये बिल्कुल आसान है तो इसको ही आज हम क्लियर करने वाले, मात्र आपको 5 मिनट में 10 मार्क्स मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको 5 मिनट में 10 मार्क्स जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था वो सब जो क्वेश्चन है वो पाठ और लेखक का नाम पूछा जाता है, पाठ और लेखक का नाम। तो देखिए ये पाठ यानी कि गद्यखंड का है और इधर है लेखक का नाम, इसको ही आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर परीक्षा में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉपी कलम है तो जल्दी जल्दी खोल लीजिए और यहाँ से नोट करते जाइए, ठीक है मात्र 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन याद करने से ही आपको 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बातचीत, ठीक है। अब देखिए बातचीत, बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए वहाँ पर क्वेश्चन क्या था हम अभी तुरंत दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लिए ना, बातचीत, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, देख लीजिए बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक हो गया था। अब देखिए दूसरा, दूसरा कह रहा था उसने कहा था, दूसरा क्या कह रहा है, उसने कहा था, उसने कहा था के लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए तीसरा, तीसरा नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। इसी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट में पूछा जाएगा वही बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, संपूर्ण क्रांति हो गया था, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए नेक्स्ट है रोज, रोज शीर्षक के लेखक का नाम क्या है, सच्चिदानंद हिनानंद वातस्यन अज्ञा। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या डायरेक्ट अज्ञा भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है, भगत सिंह, ओ सदा नीरा। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा के लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश। चलिए अगला है परगीत और समाज, परगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है, नवंबर सिंह। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है आपका जूठन, जूठन शीर्षक के लेखक का नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग नोट करते जाइए और जल्दी जल्दी देखिए आपको 10 नंबर इस वीडियो से फिक्स है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड व्रेंड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम क्या है, मलियज। अगला है त्रिज, त्रिज चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, उदय प्रकाश। अब देखिए लास्ट है आपका शिक्षा, शिक्षा के लेखक का नाम क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, जय कृष्ण मूर्ति। अब देखिए यहाँ से इतना हो गया, यहाँ तक मैं आपको कितना नंबर, 5 से 6 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखिए ये है पदखंड का, यानी कि इधर है पदखंड का नाम और इधर है यानी कि पदखंड यानी कि चैप्टर का नाम हो जाएगा, और इधर लेखक का नाम यानी कि कवि का नाम, ठीक है। अब इसमें भी देखते रहिए, करबक, पहला क्या है करबक, करबक के लेखक का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। करबक के लेखक का नाम क्या है, ओह को करबक ऐसे होगा, ठीक है करबक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका पद, और ये भी पद है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन होता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हर हालत में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लीजिए पद, सूरदास ये दूसरे पद का नाम है, तुलसीदास लेखक का नाम। देखिए यहाँ से फिर आपको पूछा जाएगा क्या है, छप्पा, छप्पे के लेखक का नाम क्या है, नाभा दास। छप्पे के लेखक का नाम क्या है, नाभा दास। देखिए नेक्स्ट है कवित, कवित के लेखक का नाम क्या है, भूषण।
अगला आप देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखक का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका उषा, उषा शीर्षक के लेखक का नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है आपका जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट है आपका अधिनायक, अधिनायक के चैप्टर का यानी कि लेख अधिनायक चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है आपका प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक का नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है हारजीत, हारजीत के लेखक का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। अब देखिए लास्ट लास्ट है क्या, गांव का घर, गांव का घर के लेखक का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, गांव के घर के लेखक का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति। अब देख लीजिए हाँ, तो यहाँ से आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ये सब क्योंकि अभी तुरंत बताया हूँ। देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो हम तीन चार ले लिए हैं, लेकिन ऐसा ऐसा आपको एग्जाम में देखने को 10-10 क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो